शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए, और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था कि तू किस नगर से आता है, और वह कहता था कि तेरा दास इसराइल के फलाने गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था, और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह चलकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इसराइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे कि जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुन पड़े, तब कहना कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ, और अबशालोम के संग 200 नेवताहारी यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोतवासी अहितोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए, और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से, जो यरूशलेम में उसके संग थे, कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला, और राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया, और राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेत मेहरक में ठहर गया, और उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गती, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रहा, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु
राजा रहेगा चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। सो गति इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए है और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वही रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, यदि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? सो कुशल क्षेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहिमास और एब्यातार का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वही रहे। तब दाऊद जलपायु के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम से संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरी की हुशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आए जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहितोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा? और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहिमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे, तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। और दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया।